हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी ये जो बाजू पे एक नया डिजाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरी दो बाजुएं ले ली है मैंने। अभी हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल एक जैसा। देखिए फोल्ड कर लेंगे। अभी हम इसका ये वाला जो सामने वाला जो फिटिंग वाला पार्ट होता है, यहां से हम मैं देखिए 2 इंच, ये देखिए फ्रेंड्स 2 इंच ले लूंगी अंदर की तरफ, और यहाँ पे एक निशान लगा दूंगी, और यहाँ से 1 इंच मैं यहाँ से ले लूंगी फ्रेंड, देखिए। और इसको ऐसे तिरछा मैं इसके साथ मिला दूंगी, देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इसको मिला दिया है। अभी मैं इसकी कटिंग कर लूंगी फ्रेंड्स। ये मेरे दोनों पार्ट्स हैं, देखिए ये मैंने इसकी कटिंग कर लिया है यहाँ से। अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। देखिए इसमें एक ऐसा कट आ गया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ऐसे दो पट्टी ले लेंगे। ये इसके कुर्ते वाली पट्टी है, ठीक है। देखिए ऑपोजिट ये दो कलर में बनता है फ्रेंड्स डिजाइन। मैं इसको ऐसे हाफ कट कर लूंगी, देखिए ये दो पट्टी हो गई है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने पट्टी ले ली है। जितना इंच आपको ऐसे ये ऐसे प्लेस होएगी इसके ऊपर, जितना चौड़ा आपको यहाँ पे रखना है उतनी चौड़ी आप पट्टी ले सकते हैं। देखिए ये मैंने सीधे तरफ लिया है और ये पट्टी भी सीधी है, और मैं इसको इसके ऊपर ऐसे प्लेस कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको प्लेस कर दिया है। अभी मैं इसके यहाँ यहाँ ऐसे पूरा डिजाइन पे मैं एक सिलाई लगा लूंगी। देखिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। यहां हम इसको रोक देंगे और इसको ऐसे टर्न कर लेंगे। यहां मैं इसको रोकूंगी, मशीन को उठाऊंगी, क्योंकि जहां पे ये कट लगा हुआ है हमें इस पे वी बनानी है पूरी। देखिए देखिए फ्रेंड्स मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। अब ऐसे ही मैं अपना ये दूसरे वाला पार्ट लूंगी, ये वाला, और इस पे भी ऐसे इसको सीधा करके पट्टी को ऐसे देखिए प्लेस कर लूंगी इसके ऊपर। और मैं इसके भी चारों तरफ सेम ऐसे ही, जैसे मैं इस पे भी ऐसे ही सेम सिलाई लगा लूंगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। अभी जो हमारा ये फैब्रिक है नीचे वाला, हम उसकी कटिंग कर देंगे। जैसे हमने ऊपर वाले अपने बाजू की कटिंग कर रखी है सेम वैसे ही, और इसके सेंटर में यहाँ पे मैं एक कट लगा लूंगी, और मैं इधर भी एक कट लगा लूंगी। देखिए यहाँ पे भी मैं, और ऐसे ही मैं अपनी दूसरी बाजू, ये देखिए जिस पे मैंने सिलाई लगाई है, देखिए मैंने इसके भी कपड़े की कटिंग कर ली है। अब हम ये बाजू लेंगे और देखिए फ्रेंड्स इसको हम ऐसे सीधा करेंगे। देखिए ये वाला जो हमारा पोर्शन हमने नीचे की तरफ कर रखा था, बाजू हमारी सीधी है, और जो ये ट्रायंगल है हम इसको ऐसे बाहर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने इनकी ये कूने निकाल दी हैं अच्छे से, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। अभी हम इसके सामने ऐसे एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे आके हम यहाँ सेंटर तक इसके सिलाई को वापस ले आएंगे, और यहां से हम इसको ऐसे टर्न करेंगे और ये वी शेप को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी यहाँ पे सामने सिलाई लग गई है। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ताकि ये अच्छे से ये कपड़ा इस पे अच्छे से सेट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों पे सिलाई लगा दी है। अब मैं इस पे फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी, उसके लिए मैं इसे फोल्ड कर लूंगी ऐसे। देखिए इसको हमें यहां से एक सार करना है, देखिए फ्रेंड, ताकि हमारा जो सेंटर में आए बाजू के। अभी मैं यहां से निशान लगाऊंगी अपनी बाजू की फिटिंग का। देखिए फिटिंग का निशान हम यहां से लगाएंगे, देखिए इसको इतना छोड़ते हुए 1 इंच ऊपर की तरफ, जो है 5.5 इंच, और ऐसे ही मैं अपने मोढ़े का निशान लगाऊंगी जो है 8 इंच,
और मैं इसको ऐसे इसके साथ मिला दूंगी और इस पर सिलाई लगा दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब मैं ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मैं इसकी कटिंग कर दूंगी दोनों की। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना खूबसूरत डिजाइन बनके तैयार हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है और ये मेरी ऐसे ये बाजू बनके तैयार हो गई है कट वाली। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।